मैं पीएस साहब के ऑफिस के बाहर आमरण उपोषण पे बैठ जाऊंगा, और अगर वो भी सहारा मेरे को सही नहीं लगा ना, तो यहाँ आके इनका जो ओला का शोरूम है वो फोड़ दूंगा। अच्छा है, पैसा मुझे दे दो, मेरा पैसा दे दो तो सबसे ज्यादा मेरी अच्छा पैर कर दो चलेगा, मेरा 1.5 लाख रुपए जो भी पैसे का गाड़ी लिया है मुझे दे दो बस गाड़ी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूँ यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वैसे अंतर्गत इलीगल पार्किंग को लेकर कई बार आवाजें उठती रही है, और इलीगल पार्किंग एक बड़ा मुद्दा है, खासकर वसई स्टेशन से लेकर वसई अंबाड़ी तक पूरे रोड पर एक साइड ही पूरी जाम कर दी जाती है, इलीगल पार्किंग होती है, उसकी वजह से एक तरफ ट्रैफिक की समस्या होती है तो दूसरी तरफ और भी कई चीज़ें होती है, और इसी सब चीज़ को लेकर समय समय पर लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है, और उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस है उसका, प्रशासन का उस पर खास कोई असर नहीं पड़ रहा है। हालांकि जब कोई टू व्हीलर वाला सामान्य आदमी रस्ते पर जाता दिखता है तब उनको रोक कर कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं उनके ऊपर असल में कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। इसी चीज को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में श्लोक पंडारी, इन्होंने ट्रैफिक पुलिस से एक पत्र व्यवहार किया है, जानते हैं वो क्या है, कुछ इन्होंने पत्र व्यवहार किया, श्लोक जी क्या कहना चाहेंगे, आपने एक पत्र व्यवहार किया है ट्रैफिक पुलिस में किस चीज को लेकर? मैंने अभी जो नए पिया आए उनको, महेश साहब को मैंने पत्र व्यवहार किया है कि ओला का जो शोरूम है, ओला शोरूम में जितने गाड़ियां बंद पड़ी हो अपने दुकान के सामने बाहर लाकर खड़ी कर दी है, उसके ऊपर कोई निवारण नहीं, वो अनधिकृत पार्किंग कर रहे, वो अनधिकृत पार्किंग जो हो रही है वो अनधिकृत पार्किंग को अभी के अभी महेश साहब ने कार्रवाई करना चाहिए, और ये सब गाड़ियां महानगर पालिका का जो पुलिस का गोडाउन है उस गोडाउन में जमा करना चाहिए। जब तक ये लोग को ये झटका बैठता नहीं तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं, और पुलिस प्रशासन मेरे ख्याल से पुलिस प्रशासन भी उनको सहायक कर रही है ऐसा मेरे को एक बार लग रहा है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि पुलिस वाले पीआई साहब आज आके गए उधर मिलके गए, मगर उन्होंने एक्शन लिया नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं। मैं लेटर दे चुका हूँ, लेटर देके 3 दिन हो गया, अभी तक साहब ने एक्शन लिया नहीं। मैं साहब को पहले ही बोला था अगर 10 दिन के अंदर पीआई साहब ने एक्शन लिया नहीं तो मैं एक तो सीधे तरीके से आंदोलन करूंगा या तो तेरे तरीके से आंदोलन करूंगा, मगर आंदोलन करूंगा जरूर। मैं आंदोलन में अभी मेरी डर की वजह से ये लोग ने इधर बाउंसर बिठा के रखे, मैं पहले भी आके ये लोग को चेतावनी देके गया था, मेरी डर की वजह से ये लोग ने इधर बाउंसर बिठा के रखे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज तक नहीं पड़ा मेरे को कोई फर्क। मैं सीधे तरीके से आंदोलन 10 दिन मेरा जब लेटर को 10 दिन हो जाएगा मैं पीआई साहब के ऑफिस के बाहर आमरण उपोषण पे बैठ जाऊंगा, और अगर वो भी सहारा मेरे को सही नहीं लगा ना तो यहाँ आके इनका जो ओला का शोरूम है वो फोड़ दूंगा, मेरे ऊपर जो गुनाह दाखिल करना है आप कर लेना। सिर्फ ओला को ही क्यों टारगेट किया? क्योंकि ओला के दिन ब दिन कंप्लेंट बढ़ते जा रहे हैं, आप देखोगे तो रोज यहाँ पे 6 से 10 गाड़ियां आके जमा हो जाती है, मगर उसके ऊपर निवारण कुछ भी नहीं होता है। हमारे एरिया में भी एक दो जन है, उन्होंने ओला की गाड़ियां ली थी, कम से कम 1 से 1.5 महीना हो गया, उन्होंने अभी तक गाड़ी रिपेयर करके उनको दी नहीं है, फॉल्ट गाड़ी सब इधर आके जमा हो रही है, उसके लिए इलीगल पार्किंग बढ़ रही है, लोगों को चलने के लिए समस्या। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ आके मैं गया तभी इन लोग ने फुटपाथ क्लियर किया, नहीं तो फुटपाथ पे भी गाड़ियां खड़ा रहती थी। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यही है, ये जो सब जितनी गाड़ियां लगी है ये पीआई साहब से मैंने निवेदन किया है कि ये सब गाड़ियां उठाई जाए और अपने महानगर पालिका के गोडाउन में जब्त किया जाए, जब तक ये लोग को झटका बैठता नहीं ये लोग सुधरेंगे नहीं, और अगर पीआई साहब आप झटका नहीं दे सकते तो मैं झटका दे सकता हूँ। तो हम बात कर रहे थे श्लोक भंडारे ने, इन्होंने कंप्लेन किया है। आपको बता दूं कि ओला जो पिछले काफी समय से विवादित रही है, ओला एक बड़ी कंपनी है, राम बड़े और दर्शन छोटे, ये बड़ी कंपनी है, इसकी गाड़ियों में कई शिकायतें आ रही है और उसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर की हालत भी बिगड़ती जा रही है। कई बार यहाँ पर लोग आते हैं परेशान होकर और आखिरकार परेशानी में कहीं ना कहीं वो उतारू हो जाते हैं कुछ ऐसा करने को जिससे लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ता है। इसके पहले हमने खबर लगाई थी, उसमें सिर्फ वसई का ही नहीं, हमने विरार का भी हालात दिखाया था, किस तरह से ओला को लेकर लोग परेशान है। तो ऊंची दुकान फीके पकवान कहने को तो नाम बड़ा है ओला कंपनी, लेकिन इनकी जो सर्विस है वो काफी खराब है, और ऊपर से इस तरह से इलीगल पार्किंग, यानी कि पब्लिक को दोहरा झटका ये ओला कंपनी दे रही है, और कहीं ना कहीं इसीलिए इसके खिलाफ अब आवाज उठ रही है। अब देखते हैं प्रशासन कैसी क्या कार्रवाई करेगा। ओला चाहे तो हमें अपना पक्ष रखना है तो हमारे पास आ सकता है, हम उसकी भी उसका भी पक्ष रखेंगे, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है वो हकीकत है, और ओला से आज कई लोग त्रस्त है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही,
नमस्कार। राकेश सिंह, आप यहाँ आए, क्या दिक्कत आपको? गाड़ी लिया है हमने करीब 10 दिन, लेने के बाद में सिस्टम अपडेट का प्रॉब्लम आ रहा है। नया गाड़ी है, नया वर्जन है, लेकिन सिस्टम अपडेट के नाम पे गाड़ी जब काम पे घर से निकलो तो गाड़ी नीचे जब स्टार्ट करते तो गाड़ी बंद। कितना दिनों आपको गाड़ी ले, कितने पैसे का लिया था? 10-12 दिन गाड़ी लेके हुआ, उसके बाद से गाड़ी अभी खड़ी है। जुलाई महीने में लिया था गाड़ी। क्या कीमत है गाड़ी की? 1,10,000। यानी कि आपने 1,10,000 रुपया डाला, उसके बावजूद भी आप परेशान है, सेटिस्फाइड नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? सर बहुत ज्यादा इशू आता है ओला, ये इतनी सारी गाड़ियाँ कोई नहीं बेचने के लिए नहीं खड़ी है, सब ज्यादा से ज्यादा रिपेयरिंग। मुझे मेरा गाड़ी ढूंढना पड़ा कि ये लोग रिपेयर काम कर रहे। पिछले 2 दिन से वो मैकेनिक पर्सन बोल रहा है कि मैंने मेल किया है आपके सिस्टम के लिए, बट वो आया नहीं है। अभी मैं मेरे फ्रेंड का गाड़ी लेकर यूज कर रही हूँ, बट ये लोग का कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। कंपनी के पास स्पेयर पार्टी नहीं है, सामान चेक करने के लिए टूल तक नहीं है। वैसे ब्रांच मेरे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।